महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज के समर्थन में उतरे बजरंग सेना के लोग। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सीएम का दहन किया पुतला। आपको बता दें, सिरमौर चौराहे में आज बजरंग सेना के द्वारा कालीचरण महाराज के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी के आरोप में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किए जाने के मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है, जिसमें बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार से आगामी 10 जनवरी से पूर्व कालीचरण महाराज की रिहाई की मांग की है। मामले पर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर आगामी 10 जनवरी से पूर्व कालीचरण महाराज को रिहा नहीं किया जाएगा तो बजरंग सेना के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बीते दिनों आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज के समर्थन में आज रीवा बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया है, जिसमें बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार से कालीचरण महाराज को रिहा किए जाने की मांग की है। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आगामी 10 जनवरी के पूर्व अगर कालीचरण महाराज की रिहाई नहीं होती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें, दरअसल बीते दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित एक धर्म संसद कार्यक्रम के दौरान कालीचरण महाराज के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद समूचे देश में कांग्रेस पार्टी सहित अन्य कई संगठन उनके खिलाफ खड़े हो गए। तब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी को नाजायज ठहराते हुए आज बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया है। प्रस्तुत है जिलाध्यक्ष बजरंग सेना सुधीर तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। बजरंग सेना रीवा जिला इकाई द्वारा भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया गया है। विगत दिनों हिंदू धर्म पर दोबारा कुठारा प्रहार किया गया है। हमारे कालिदास महाराज जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो निंदनीय है, और बजरंग सेना नहीं पूरे देश में और पूरे विश्व में सभी साधु संतों ने उसका विरोध किया है। आज रीवा जिला इकाई ने उनका पुतला दहन किया है, उनके FIR वापस हो, और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो दुर्भाग्य का विषय है। एक शराब आप दे सकते हैं, कुछ धर्म के लोग हैं जो खुलेआम चेतावनी देते हैं कि मोदी और योगी जाने के बाद भारत का क्या हाल होगा, जिस तरह से चेतावनी देते हैं, और हमारे साधु संत जो है मैं मानता हूँ कि कहीं त्रुटियां हुई होंगी, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरा साधु समाज जो हमारा है जिस तरह एकत्रित हुआ है, और मैं साथ में अपने प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्हें उन्होंने खुद कर हमारा कालिदास महाराज जी के समर्थन में आए हैं, और पूरे देश में उनका पुतला दहन हो रहा है भूपेश बघेल जी का। मैं कुछ चीजों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि विशेष अगर मुझे पूछा जाए तो मैं भगत सिंह को मानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा कौन किसे पसंद करता है, लेकिन मैं उस चीज को हट के मैं बोला गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है वो निंदनीय है। पहले सरकार के गृह मंत्री हमारे नरोत्तम दादा जी ने निश्चित रूप से मीडिया के सामने आके बोला है, जिस तरह से बिना सूचना की आधी रात में उठा ले गए हैं, उन्होंने अपना उनके यूपी छत्तीसगढ़ सरकार के पास अपना उन्होंने आक्रोश व्यक्त कर दिया कि ये गलत है, और उनके जो सिपाही थे उनके ऊपर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने FIR दर्ज करने के साथ अपील भी और आदेश भी दिया।